बड़ो बहु वरदानियों की से सह पाएगा। लकी जी, मैं आपने सब कुछ बताना चाहूँ, पर मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आपका गुस्सा तो काबू के बाहर चला जाएगा। तारी, शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी ना? ठीक प्रज्ञा, अगर कोई भी दिक्कत हुई ना तो तू मन्ने बता सकती है। मुश्किल से मुश्किल समय में तू मन्ने अपने संग पाएगी। ये भी तू बता, तेरे जीवन में सब ठीक? तू यहाँ खुश है ना इस घर में प्रज्ञा के साथ? गहने किधर रखे से? किधर के गहने? दरअसल बात यह है ना कि वरदान दिन भर काम में लगा रहता है और प्रज्ञा घर के कामों में व्यस्त रहती है, तो दोनों साथ रह के भी साथ ना है। अगर वो साथ रह के भी साथ ना सहे तो उन दोनों को इस घर से जाना होगा। इतना बड़ा टीवी इसलिए यहाँ क्या कर रही है? जब तक यो इस घर में से ना यो मन्ने चैंस जी ने ना देवेगी, अगर यहाँ हाथ साफ करना से ना तो पहले तो इसे ठिकाने लगाना होगा। कोमल भाई, तूने यहाँ इकट्ठा तो सबको कर लिया से, अब ये तो बता आखिर होने क्या वाला है? मैं ना आप सबने खेल के नियम बताती हूँ। इस तकिए ने जल्दी जल्दी एक दूसरे को देते जाएंगे जब तक गाना बजेगा, फिर जब गाना बंद होगा तो वो इंसान आउट हो गया और उसने पर्ची में जो लिखा है वही करना पड़ेगा। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा इतने बड़ों को कैसे समझाऊं कि वो प्रज्ञा और वरदान को करीब ला करना प्रज्ञा के दुख और बढ़ा रहे से। ये लकी जी, अमरीश पुरी जी का अभिनय करते करते आप कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए थे। उन्होंने तो सिमरन का हाथ छोड़ दिया था और उसे अपने राज के पास जाने दिया, पर आपने तो हमारी सिमरन यानी प्रज्ञा को अपने राज मतलब प्रधान के पास जाने ही ना दिया। अरे पागल हो गए तो ऐसी कोई बात ना से, ये बता हम क्या करें अगर हमारी सिमरन को तुम्हारे राज के पास जाने ही ना से। बता। और हाँ बड़ो, गंभीर मैं नहीं, गंभीर तो तू लग रही से। तुमने वो बात बता कि के फर्क पड़ता है जे तुम्हारे राज का हमारे सिमरन के साथ मेल ना हो तो? क्योंकि यो सिमरन और राज ना है, मेरे वरदान और प्रज्ञा है। मन्ने आपने कहा था ना कि मन्ने तितली और घर के माहौल के साथ साथ यो खेल प्रज्ञा और वरदान के लिए भी आयोजित किया है। मैं चाहती हूँ कि इस खेल के द्वारा उनके बीच ना नोक चोक खत्म हो जाए और प्यारी प्यारी बातें हो जाए। इतने कैसे बताऊं कि उनके बीच की छोटी नोक चोक बहुत बढ़ चुकी है, इस प्रज्ञा वरदान के साथ और ना रहना चाहती। सच कह रही सू, बड़े सीधे साधे लोग हैं और ऐसे सीधे साधे लोग ही तुम्हारा शिकार हो गए। बस तू अपनी तैयारी रखियो, परसों बसंत पंचमी की सुबह हम अपने कारनामे को अंजाम देंगे। मैं यहाँ पे सबकी सब बोरियां तैयार रखूंगी, इन सबको लगेगा कि उन बोरियों में अनाज है। तो समय पे अपना टेम्पो ले आइयो, और जब तक इनको पता चलेगा कि अनाज की आड़ में हमने पूरा का पूरा घर साफ कर दिया, तब तक तो हम बहुत दूर निकल लिए होंगे। अब तो लॉटरी लगने वाली है। अरे क्या बात है भाई, किसकी लॉटरी लग गई? हमारे को भी तो पता चले। माँ जी, वो हमारी सहेली का फोन था, मैं उसने बता रही थी कि आप जैसे अच्छे और सीधे लोगों के साथ रहने का मने मौका मिला से। अब ये हमारे लिए किसी लॉटरी से कम तो ना है ना माँ जी?
मैं बहुत खुश हूँ। मारे लिए यो घनी खुशी का मौका है कि तू मारे घर में खुश है, इससे बढ़कर कोई खुशी ना है। पर तितली, तारे ते मैं एक बात बोलना चाह रही थी। बोलो। वो ये कि वो जो कमला भाभी ने थारे से कहा ना, वो थारे बापूजी को मत बताना। की करूं, तितली के बापू से कैसे बात करूं? आइडिया। क्या तोड़फोड़ मचा दी तितली ने? माजी, माजी मैंने माफ कर दो, मार से गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रुक जा, हाथ में कहाँ चुभ जाएगा थारे? भाई साहब, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, फिर तितली से बात करा दूंगी। हाँ, तू कुछ मत कर, जाके भरपाई को भेज और उसको बोलना झाड़ू पोछा लेके आएगी, वो साफ कर देगी भी। जी माँ जी। मारे तो किस्मत ही फूटी से, ना जाने के बवाल मचाने ही वो वापस आ गया सर। मारे कुतना यू घर में चैन ही मिलने वाला ना सर, जब देखो तब एक नया बखेड़ा आके खड़ा हो जावे। और क्यों ना हो, घर में तो लंबी सी नमूनों की फौज खड़ी से ना, इधर सास ने मना लो तो पति का मुंह टेढ़ा हो जावे से, पति ने मना लो तो सास का मुंह फूल जावे से, और अगर दोनों ने मना लो तो पूरा खानदान का मुंह फूल जावे से। मैं करूँ तो क्या करूँ, मारे लिए तो जैसे सामने को और पीछे खाई से, कैसे भी यो मुसीबत टली तो पुरानी वाली मुसीबत फिर से वापस आ गई से। अरे पगड़ी पहन के सीधा घर के अंदर घुसे जावे से, और मन ने पता तब नहीं। पर इन सब चक्करों में मैं बीच में फंस गई ना, मारे को तो कुछ समझ में ना आवे से। भागो, आज तो बाल बाल बचे, अगर तने तितली के बापू से बात करनी पड़ जाती तो थारी चोरी पकड़ी जाती और तेरी पोल भी खुल जाती। पर अब सब ठीक हो गया सर, अब तो मस्त रह सके। गिरा दिया मन्ने। पागल से के? ये थारी बापू ने तने यू भी ना सिखा कि यू बड़ी बड़ी आंखें खोल के कैसे चलना से? या वो भी मैं ही सिखाऊ तने? एक बात कहूं तन्ने, तन्ने अगर वो भी सिखा देना तो वो भी ना सीख पावेगी। एक तो यो घर अनोखा से और तू उस घर की अनोखी मेहमान, थारे से ना कुछ ना होने वाला। तू अगर एक दो दिन में एक आधी चीज सीख भी जावेगी और थारी शादी भी हो जावेगी ना, तो भी थारी शादी दो तीन दिन से ज्यादा टिकने वाली ना से। बड़ी आई बड़ो बनने, अरे बड़ो के कर लेगी वो तन्ने अपने जैसे बना देगी, फिर जइयो अपने ससुराल और जाके वहां पे कुश्ती लड़ते रहियो। बड़ी आई बड़ो जैसी बननी से। चल, भगवान जाने जिसके साथ इसकी शादी होगी उसका क्या हाल होगा। यो नॉनस्टॉप बुलेट ट्रेन मारे पर गोलियों के बौछार कर दी और मैं इसने कुछ कह भी ना पाई, इतना तो मैंने कभी किसी ने नहीं सुनाया और ना मेरी बेइज्जती कभी किसी ने की से। सॉरी बोल। सॉरी किस खातिर? मैं तो सॉरी बुलवाना चाह रहे हैं, मैं ना बोलती। ए, सुन रे, तू क्या चाहती है? जितने यो सब करने का इनाम मिले हाँ, कौन चुपचाप सॉरी बोल। सॉरी मारी जूती भी ना बोलेगी। भाभी जी आप भी है? कौन है ये बदतमीज आदमी? बदतमीज किसको बोल रहा है तू? ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, ये कल्चर है इस घर के। अंगूरी से बात कर रहा है? ये हमारी बीवी है, हमारी बीवी है ये, पति परमेश्वर। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये ऐसे शराबियों को ना ठिकाने लगाना हमें अच्छी तरह से आता है। देखो बड़ा शौक है ना कल्चर का है घुंगरू। समुद्र मंथन से अमृत के अवतरित होते ही लोभ ग्रसित कालनेमी उसे छीन भाग जाता है। राहु छल से देवताओं की कतार में अमृत पान करता है। विजयी हो गया मैं। कान्हा को यमुना के समीप ले जाने के हट में ब्रह्मदेव मैया यशोदा को बाधा समझ दृष्टि से उनका अस्तित्व मिटा देते हैं। क्या किया आपने? तुम्हारे कल्याण के मार्ग से बाधा को हटा दिया, अब ना रही तुम्हारी यशोदा मैया और ना रहा उसको दिया हुआ वचन। ठाकुर साहब गिरफ्तार कर लो इसे। हमने कहा छोड़ो।
तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। हम इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे विद्वान सिंह, बर्बाद कर देंगे। इसे मौका तो है तुमसे सॉरी कहने का, लेकिन मैं सॉरी कहूंगा नहीं। मैं ये कहूंगा कि तुम हर जन्म ऐसे ही मेरी बारात लूटती रहना, क्योंकि मैं हर जन्म तुम्हारा पति बनके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ भी हो श्रीमती जी, रज्जू के मन में जितना कड़वा हट पड़ा है ना, हम सब के लिए, कहीं ना कहीं हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं।